हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, तो ये हमारे ख्याल से आपका 9th क्लास का सबसे छोटा, आसान तो वैसे सारे हैं, जब समझ में आए तो आसान, ना समझ में आए तो हार्ड है, पर ये आपको ना समझने वाली इसमें कुछ बात ही नहीं है, ठीक है। और ये सबसे छोटा चैप्टर आपके क्लास 9th का, तो सबसे पहले जान लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा नाम है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एनालिटिक ज्योमेट्री भी कहते हैं, या फिर कार्टेशियन ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसका नाम है, ठीक ना। अब एनालिटिक ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे एनालाइसिस होता है, कार्टेशियन ज्योमेट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्टेशियन का इस्तेमाल ही हमको इसमें करना है, कार्टेशियन प्लेन का, ठीक, उसका इस्तेमाल करना है, इसलिए इसका कार्टेशियन ज्योमेट्री ही नाम रखा है, ठीक। अब व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको जानना जरूरी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिफिनेशन होता है कि द स्टडी ऑफ, ऐसा मतलब स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट का इस्तेमाल करके ज्योमेट्री के अध्ययन को, यानी कि कोऑर्डिनेट पॉइंट का, यूजिंग कोऑर्डिनेट पॉइंट्स व्हेन यू स्टडी द ज्योमेट्री इज टर्म्ड एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब एक पॉइंट इसमें जानने वाली बात है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट पॉइंट। एक्चुअली वहां पर डिफाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, तो उससे पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट होता क्या है, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सेज, क्या कहता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर द टू नंबर्स, coordinates of the point are two numbers which says, या फिर says की जगह पे locate कर लो, locate the exact location of the point, किसी भी point का coordinates क्या होता है, तो दो नंबर का पेयर होता है जो कि किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। अब एग्जैक्ट लोकेशन बताना ये भी एक टर्म है, तो उसी को तो हमको इसमें पढ़ना है कि व्हाट इज एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक। अब एग्जैक्ट लोकेशन पढ़े उससे पहले कुछ एग्जांपल्स आप डील करिए, कैसे एग्जांपल्स, तो ऐसे एग्जांपल्स कि मैं पूछूं कि ये जो ब्लैक धब्बा है इस बोर्ड पे, ये कहाँ पे है, आपको बताना है, ठीक, कि ये ब्लैक धब्बा जो है बोर्ड पे, या फिर यही जो धब्बा है ये कहाँ पे है, ठीक है, आपको बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, तो कैसे आप मेजर करेंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं, कैसे बता देंगे बोर्ड के बीच में है, नहीं तो सेंटर तो इसका कहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, सेंटर कौन नापने आएगा, ठीक है, डायगोनल कौन ड्रॉ करेगा और फिर उसका सेंटर निकालेगा, तो उसके क्या कहेगा, क्या कहेगा कि नीचे से कुछ सेंटीमीटर, मान लो x सेंटीमीटर, ठीक, और राइट साइड से मेजर करेंगे तो राइट साइड से कितना, y सेंटीमीटर पे क्या है, हमारा ये जो धब्बा है वो मौजूद है, ठीक। ऐसे ही कोई और भी हम कुछ कहें कि बोर्ड पे हमने जीरो कहां लिखा है, ठीक है, बोर्ड पे हमने जीरो कहां लिखा है, तो आप इसको कह सकते हैं कि नीचे से इतना सेंटीमीटर ऊपर और लेफ्ट साइड से कुछ सेंटीमीटर, जिसको एक्स मान लो एक को वाई मान लो, ठीक, हम इसको इसी तरह से बताते हैं। या फिर मैं ये बोलूं कि आपको कहीं पे जाना है किसी शहर में, ठीक है, और वो शहर में रोड चलते हैं ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, अब ईस्ट से वेस्ट रोड चलते हैं और वहां पे हर एक तरफ, मतलब कि नॉर्थ की तरफ 5 रोड गया है और साउथ की तरफ भी 5 रोड गया है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि
कि आपको किसी के घर जाना है, तो आप पूछेंगे उनसे कौन से गली में जाना है या कौन से स्ट्रीट पे जाना है। मैं सिर्फ इतना बता दूं कि साउथ वाले स्ट्रीट के कौन से स्ट्रीट नंबर पे, 1 2 3 4 5, तो इधर से भी 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रीट। ठीक है, मैं बोलूं कि साउथ वाले, ये साउथ वाले डायरेक्शन के तरफ रोड नंबर 3 पे किसी का घर है, आप वहां पे जाना है। तो ये कितना आसान हुआ किसी के घर पे चले जाना। तो ऐसे ही हम पोजीशन को बताते हैं, किसी भी पोजीशन को, और पोजीशन को बताना ही हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टर्म कहलाता है। एक और क्वेश्चन, अब एग्जाम आप देते होंगे और एग्जाम में आपकी इसको सिटिंग प्लानिंग होती है, सिटिंग प्लानिंग होती है। अब बहुत सारे बेंच लगे हुए हैं और वहां पे सबको बैठने के लिए बोल दिया गया। अब एक बेंच पे मान लो 4 बच्चे बैठते हैं, ठीक, और इन चारों बेंचों पे अब तुम जाओ, तुम कंफ्यूज हो गए कहाँ बैठना है, यहाँ पे टीचर है। अब टीचर बोले तुम यहाँ से एंट्री किए और एंट्री गेट से पूछे मैं कमिंग वेयर इज माय सीट, तो वो तो बोलेंगी जाओ ढूंढ लो, ठीक ना। लेकिन वो टीचर बहुत अच्छी हैं, वो बोलेंगी कि गो टू द थर्ड रो, आप तीसरे रो पे जाइए और आपका सीट नंबर थर्ड है फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड से आपका तीसरा नंबर पे जो सीट है वही आपका सिटिंग प्लानिंग के मुताबिक आपको वहां पे बैठ के परीक्षा देना है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। मान लो यहाँ पे हमको लोकेट करना था, इसको बताना था, तो हमने लोकेशन कैसे दिया, उसको बताया कि आप रॉ वाइज चलिए, थर्ड रॉ में जाइए और वहां पे आपका बनाया गया है। ये एक्चुअली रॉज और कॉलम ना, रॉज और कॉलम वो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं स्प्रेडशीट में, और स्प्रेडशीट किस में होता है, वो एक्सेल में होता है। कंप्यूटर जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे आपको रॉस और कॉलम क्या होता है, वो स्प्रेडशीट में होता है। तो ये एक तरह से उसका जो सीट है वो सेल के जैसा है, और ये रॉ हो गया और ये इसका कॉलम हो गया। ठीक, तो उससे उसका पता चल गया कि उसका सीट कहाँ है। तो ये जो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो साइंटिस्ट लाए थे उनका नाम क्या था, अब कोई ना कोई तो बताया होंगे, किसी ने किसी के दिमाग में आया होगा। तो बताया जाता है उनका नाम था रेनी डिस्कार्टस, रेनी डिस्कार्टस। नाम कितना अच्छा रखे हैं, इनका स्पेलिंग बड़ा ही गड़बड़ है, रेनी इसको ऐसे प्रोनाउंस करें तो रेनी हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिशियन भी थे और फिलोसोफर भी थे, कहाँ के थे, तो फ्रेंच के, फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन, ये दोनों भी थे। फिलोसोफर थे यानी कि घूम फिर के दूसरों की जगह को पता भी लगाते थे, दूसरों के घर में जा जाके झांकते चाकते भी थे कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और मैथमेटिशियन भी थे। और इन्होंने ये जो हमने अभी ये तीनों एग्जांपल पढ़ा, सेटिंग प्लानिंग वाला या फिर वो ये भाभा को प्लॉट करने वाला, वो प्लानिंग इन्होंने सोते सोते ही पता कर लिया। कितना दिमाग था, सोए थे और अचानक से उनके दिमाग में आया कि ओहो इसको तो कुछ पता करना पड़ेगा, और इन्होंने पता कर दिया। ठीक है, और वो किस विधि से पता किया, और सोए थे तो सपना में नहीं पता किया, सोच के पता किया, और उन्होंने जिस सिस्टम का इस्तेमाल कर लिया पता करने के लिए उसको कहते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम ये क्या है, ये तो बहुत ही नया आ गया, नया शब्द आ गया कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, घबराना नहीं है, ये आप लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, वही कुछ इसका नाम बदल गया है कि कार्टेशियन सिस्टम। अब कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, टू लोकेट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं कार्टेशियन सिस्टम के यूज से। अब कार्टेशियन सिस्टम के बारे में कुछ विस्तृत रूप से पढ़ें, साइंटिस्ट का नाम कर लीजिएगा रेनी डिस्कार्टस, बहुत ही प्यारा नाम है।
फ्रेंच के फिलोसोफर और मैथमेटिशियन दोनों थे, और ये 17th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे क्योंकि इनका जन्म 1596 में हुआ और 1600 कुछ में चल बसे, हमको याद नहीं आ रहा ठीक ना उतना में चल बसे, इसीलिए इनको साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन या फिर सॉरी मैथमेटिशियन या फिर फिलोसोफर ऑफ 17th सेंचुरी भी कहते हैं। हमारा टॉपिक जो आता है उसको कहते हैं हम कार्टेशियन सिस्टम। अब क्लास वन सॉरी चैप्टर नंबर वन में आपको पढ़ाया गया था, नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर वन शायद नंबर सिस्टम है ठीक ना, वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था बहुत सारा नंबर, और उसमें आपको बताया गया था कि कुछ लाइन पे कैसे किसी भी नंबर्स को लोकेट करते हैं या फिर उतना बड़ा लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए और लिंक में उस सारा वीडियो का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप वहां जाकर विजिट करके इसको पता कर लीजिए ठीक। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है कि कोई लाइन है ठीक है, एक्चुअली में नंबर लाइन। अब इस नंबर लाइन पे इंटीजर्स होते हैं, इरेशनल होते हैं, रेशनल होते हैं, तो फिलहाल हमको इंटीजर से ही काम चलाना है क्योंकि इंटीजर सबसे आसान होते हैं। अब बीच में आता है जीरो, इधर जो राइट साइड में होता है उसको कहते हैं हम पॉजिटिव, और इधर वाले को कहते हैं क्या निगेटिव ठीक। हम निगेटिव में माइनस वाले नंबर होते हैं, पॉजिटिव में प्लस वाले होते हैं। मैथ्स में बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम कि ऐसा होता है, सॉरी ये सब पॉजिटिव है बताओ ना, निगेटिव बता दिए, इतना पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं कि हम इसको निगेटिव लिख दिए। चलो तो कार्टेशियन सिस्टम में ऐसे कोई दो रियल नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, उसको हम प्लेस करते हैं जिसके बीच में एंगल कितना डिग्री का हो तो 90 डिग्री का हो, उसके बीच में एंगल कितना डिग्री का हो तो 90 डिग्री का हो, और वो 90 डिग्री एंगल कैसे भी बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि ये दो लंबा लाइन सिस्टम है, दो अभी काम तो कहीं एक और बना लेते हैं, चलो ये एक और बना दिया ठीक है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे माइनस वन, यहाँ पे माइनस टू, यहाँ पे माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस फोर, फिर वन टू थ्री फोर, काउंटिंग हमको आती है। चलो तो ये दो नंबर सिस्टम है, एक चीज बताना भूल गए, ये जो जीरो होता है ना ये दोनों ही नंबर लाइन में, इसको हम क्या कहते हैं ओरिजिन, क्या कहते हैं ओरिजिन कहते हैं, इसको भी क्या कहेंगे तो ओरिजिन कहेंगे, ओरिजिन कहते हैं क्योंकि यहीं से कोई भी चाहे वो निगेटिव वाले नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव वाले नंबर हो स्टार्ट होते हैं ठीक। अब इसके आगे कार्टेशियन सिस्टम में कैसा है कि कोई नंबर जो डिग्री होगा वो 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री कैसे होगा यानी कि एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि वो ऐसे भी इंटरसेक्ट करते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल बने, या फिर ऐसे भी इंटरसेक्ट करते हैं जिसके बीच में 90 डिग्री का बने, या फिर अब कैसे भी बना जी, हाँ अब हम थोड़ा सा ऐसे तो बनेगा नहीं, चलो फिलहाल अभी तो ही जानो, फिर या ऐसे ऐसे फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के कैसे भी बना सकते हैं जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है ठीक है। तो यहाँ पे जो हमको कार्टेशियन सिस्टम जो यहाँ पे पढ़ना है वो तो हमको फर्स्ट वाले केस को ही पढ़ना है, इसी वाले केस को, यहाँ पर जो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में ही इंटरसेक्ट करेगी। अब वर्टिकल किसको कहते हैं, तो जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम वर्टिकल कहते हैं ठीक है, जैसे कि ये वाली लाइन को हम वर्टिकल लाइन कहेंगे, वर्टिकल लाइन, और इस वाली लाइन को हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे ठीक। अब यहां पर भी आ जाता है कि यहां पर जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, हाँ, और लाइन को कुछ ऐसे प्लेस करना था है दोनों लाइनों को कि उसके ओरिजिन पे ओरिजिन ही आए और कोई नंबर्स नहीं आए, तो वो ऐसे कैसे प्लेस करना है, कुछ सिंपल सा ड्रॉ कर देना और बता देना है कि यही इसका ओरिजिन है। अब ये यहीं से ड्रॉ होगा ठीक, अब ये यहीं से लाइन कोई भी नंबर स्टार्ट होना होगा तो होगा। तो अब चलिए देखिए, हमने दो नंबर लाइन को ड्रॉ किया था ठीक है,
दो नंबर लाइन का ये उसका ओरिजिन हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो उस लाइनों को जो लाइन हमने ड्रॉ किया था दोनों लाइन को गलती करके मिटा के हमको फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम ड्रॉ कर देंगे उन दोनों लाइनों को, कुछ हमको नाम रखना होता है। ठीक है, अब वो नाम कहां पे रखेंगे, आप तो इसी कार्टेशियन सिस्टम में उस नाम का यूज करना होता है। और नाम के यूज करें क्या, उसका कुछ नाम रख देते हैं, जैसे कि हमने बताया ना बोर्ड को x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर, वैसे यहां पर भी x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर हमको उसका नाम देना है। ठीक, तो क्या नाम देते हैं, चलिए जो ये वाला नंबर होता है ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये कार्टेशियन इस प्लेन कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जिसपे दो नंबर लाइन आपस में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन के लेफ्ट सॉरी राइट साइड में कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, मतलब कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, 2, 3, 4 और 5। अरे ऊपर जाओ भाई, 5। अब इधर वाले कौन से होंगे, निगेटिव, तो -1, -2, -3, -4 ये सब निगेटिव नंबर हो गए। ठीक है, अब एक लाइन का तो हमने पुट अप कर दिया, अब दूसरे वाले लाइन को हम पुट अप करेंगे, तो जो दूसरा वाला लाइन होता है ना इसको हम फिर से, ये तो हॉरिजॉन्टल हमारा पहले से ही जगह ले गया है, अब इस लाइन को हमको बेचारे घुमाना पड़ेगा, थोड़ा सा तकलीफ देना पड़ेगा। ठीक है, अब तकलीफ देते हैं, तो ये ऊपर चला जाता है पॉजिटिव वाला, +1, +2, +3, +4 और नीचे वाला चला जाता है -1, -2, -3, -4 जितनी आवश्यकता हो उतना आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जितनी हमको आवश्यकता उतनी ड्रॉ करेंगे, स्क्रीन आ जाता है हमारा बोर्ड और हमारा मार्कर खत्म होता है और आपका पेज खत्म होगा। ठीक, ड्रॉ करेंगे, जब ड्रॉ करते हैं तो ये क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है। अब क्वाड्रेंट क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेंट, यानी कि किसी भी दो लाइंस के बीच में जब एंगल ऑफ इलिवेशन या वट एवर यू से दैट बिकम्स 90 डिग्री, व्हाट 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल में चार क्वाड्रेंट होते हैं, यानी कि एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो उसमें हम काट दें तो उसमें चार क्वाड्रेंट क्रिएट हो जाते हैं। एक्चुअली मैं जान लूं कि क्वाड्रेंट का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना, तो ये जो इसमें भी क्या हुआ, इसमें क्वाड्रेंट का डेफिनेशन आ गया ना कि 90 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, हाँ तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो क्वाड्रेंट कहां से स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं हम, क्लॉकवाइज नहीं चलते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, अब जब उस घड़ी के जैसे हम जब मूव करें तो क्लॉकवाइज है और घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्वाड्रेंट 2 है, ये क्वाड्रेंट 3 है और ये क्वाड्रेंट 4 है। ठीक है, अब कुछ हर एक क्वाड्रेंट एक अलग से यूनिक नंबर रिप्रेजेंट करते हैं आपस में, यूनिक नंबर, कहने का मतलब कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कौन से नंबर हो सकते हैं, मतलब कि पॉजिटिव के नंबर हो सकते हैं कि निगेटिव के नंबर हो सकते हैं, तो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में हमेशा प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी कि दो नंबर्स हमेशा जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट होंगे वो प्लस के ही होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, ये प्लस में है लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, एक चीज तो बताना आपको भूल ही गया हूं, इसका नाम क्या होता है लाइन का, इस लाइन का नाम जो ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम क्या कहते हैं, बताइए आप, तो जो सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं y माइनस और इसको कहते हैं सिर्फ y या फिर y प्लस कह लो, और जो ये वाला होता है इसको कहते हैं x और इसको x माइनस। अब बहुत लोग इसको x डैश कहते हैं और इसको y डैश कहते हैं, तो आप y डैश कह लो या फिर x डैश कह लो, बात बराबर है कि इससे जो नंबर रिप्रेजेंट होंगे वो निगेटिव के ही होंगे।
तो पता चला ना कि अब जहां पे x प्लस में है और y डैश निगेटिव माइनस में है, यानी कि यहां पे कौन से एक प्लस का नंबर आएगा और एक माइनस का नंबर आएगा, वैसे यहां पे कौन सा नंबर आएगा, तो दोनों ही माइनस का नंबर आएगा, इसमें माइनस और ये भी माइनस, क्योंकि दोनों ही नंबर माइनस के हैं। वैसे ही क्वाड्रेंट 4 में क्या आएगा, तो क्वाड्रेंट 4 में भी एक प्लस का और एक माइनस का, यानी कि एक माइनस का और एक प्लस का इसमें आएगा, यानी क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं, और क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 मिलीजुली सरकार में ये बोलता है तुम प्लस में रहो तो हम पूरा माइनस में, और ये बोलता है अरे मिला जुला कर रहते हैं प्लस माइनस एक साथ हम रह लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कार्टेशियन और जो ये प्लेन होता है ना, ये मतलब कि ये कार्टेशियन सिस्टम का ये जो एक सरफेस बना, ठीक ना, इसे कहते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ठीक ना। अब व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन दैट डिनोट्स टू पॉइंट, या फिर ये कार्टेशियन प्लेन किसी दो नंबर्स को 2D शेप में रिप्रेजेंट कर सकता है। व्हाट इज 2D शेप, आपको 2D शेप यानी कि 2-dimensional शेप एक तरह से हो जाएगा, जैसे कि इसमें एक x एक्सिस है और एक y एक्सिस है, और 3D शेप क्या होता है, जैसे कि जिसमें आपको तीन चीज का पता चलता है ये 3D शेप हो गया, ठीक ना, और जिसमें सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस मिले उसको 2D शेप कहते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा उम्मीद है आपको। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कार्टेशियन सिस्टम, अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी तो हमको बहुत चीज करना है, इस पे ग्राफिक प्लॉट करना है, ठीक ना। तो इसको हम जो कहते हैं, जो एक्स वाला होता है इसको हम कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, और जो वाई वाला होता है उसको कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक ना। अब बताइए ना, आपके घर पे दो दो नाम होंगे ना, तो वैसे ही इन बेचारों का भी दो दो नाम आ जाता है। अब जो x कोऑर्डिनेट है इसका दूसरा नाम क्या आता है, x कोऑर्डिनेट को पहले y को बता देते हैं, ठीक ना। अब y का दूसरा नाम आप कोऑर्डिनेट कहिए या फिर ऑर्डिनेट कहिए, ऑर्डिनेट, इसको बहुत बड़ा पढ़ रहा था, कोऑर्डिनेट कहना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसने बोला कि को हटा दो, को हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा नाम ऑर्डिनेट ही रहेगा, वो यहाँ पे डबल हो रहेगा, ठीक है, वो को हटा दिया गया। अब इसका क्या नाम पड़ा, एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या कह सकते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है अवशिष्टा, क्या होता है अवशिष्टा, ए बी एस सी आई डबल एस ए, अवशिष्टा, अवशिष्टा, ठीक है, अवशिष्टा, मतलब फिर जाओ फिर से आ। तो ये इसका दूसरा नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है अवशिष्टा और वाई कोऑर्डिनेट का नाम है सिर्फ ऑर्डिनेट कह लेते हैं, ठीक ना। अब हमको पढ़ना है कि कैसे हम प्लॉट करते हैं, कैसे भी किसी नंबर्स को प्लॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नंबर लाइन को रहने देते हैं और बाकी सब चीजों को मिटा देते हैं, क्योंकि वो तो आपको समझ में आ गया है, नंबर लाइन ड्रॉ करने में बड़ा मेहनत लग रहा है और टाइम भी, ठीक है। तो ये हमने मिटा दिया, क्वाड्रेंट फोरड्रेंट सब खत्म, ये हमारा सीधा साधा एकदम निहायती नंबर लाइन बच गया, इसका नाम ये तो एक्स डैश है ही, और ये एक्स है, ये वाई डैश और ये वाई है। अब इस पे हमको नंबर्स को प्लॉट करना है, ठीक ना। अब कोई नंबर्स कैसे प्लॉट करना, जैसे कि हमने बोला कि ये यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या होगा, नेम दिस पॉइंट, महाराज का हुक्म है, नेम दिस पॉइंट, हाँ महाराज का हुक्म सलाह हो गए। चलिए हम पॉइंट को डिनोट करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक्स पे कौन सा पॉइंट है, एक्स वाले कोऑर्डिनेट पे या फिर अवशिष्टा पे है, जो भी हो, एक्स वाले पे ये वाला 3 है, ठीक है, और वाई वाले पे कहां पे ये लगभग कट रहा है, तो 4 के पास, यानी कि 3, 4। तो ये जो हुआ ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट हो गया, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स,
कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और ये कंप्लीट कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या हुआ 3, 4, ये जो पॉइंट P है मान लो इसका नाम पर दो P, पागल का P, इसका पॉइंट का वैल्यू 3, 4 आया, ठीक है। अब ये 3, 4 क्या 4, 3 के इक्वल है बताइए, तो 3, 4 को हम 4, 3 कहें तो ठीक लगेगा उसको, नहीं कहे नहीं लगेगा, कहेगा नहीं नहीं ऐसा मत करो, ऐसे में ऐसा नहीं करो, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो जाता है, हमको 4, 3 रिप्रेजेंट करना होगा ना, तो एक आता है अनऑर्डर्ड और एक आता है ऑर्डर, ठीक ना। तो एक्चुअली में हमेशा हम ऑर्डर भी पढ़ते हैं, एक होता है ऑर्डर्ड कोऑर्डिनेट्स और दूसरा होता है अनऑर्डर कोऑर्डिनेट्स। अब ऑर्डर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना वो किस रूप में होते हैं, तो एक्स कमा वाई के फॉर्म में होते हैं, और अनऑर्डर्ड कैसे भी हो सकता है, मतलब कि वाई कमा एक्स के फॉर्म में हो सकता है, नहीं होता भी है, ठीक, ये फोर नहीं है वाई है, वाई कमा एक्स के फॉर्म में। अब ऑर्डर्ड मतलब कि पहले एक्स वाला नंबर आएगा और बाद में वाई वाला आएगा, और अनऑर्डर्ड मतलब कि कोई भी, पहले भी आए, पहले एक्स आ सकता है और बाद में सॉरी पहले वाई आ सकता है और बाद में एक्स आएगा। तो 3, 4 इज नॉट इक्वल टू 4, 3, क्योंकि ये 4, 3 पॉइंट कहीं और ही रिप्रेजेंट होगा, पहले क्या रखना है, क्योंकि जब कुछ नहीं दे कि ये ऑर्डर है कि अनऑर्डर्ड है, तो उसका वैल्यू ऑर्डर ही होता है। तो ये वाला मान लो x का वैल्यू और ये वाला y का वैल्यू है, देखो x पे 3 आया और y पे 4, अब 4, 3 कैसे नहीं इक्वल होगा, क्योंकि वो सेम पॉइंट पे नहीं आने वाले हैं, कहां पे जाएंगे, देखो ये x का 4 है और y का 3 है, तो x का 4 यहां पे चला जाएगा और y का 3 यानी कि जो वो वाला पॉइंट बनेगा, इसका पॉइंट अनऑर्डर्ड पॉइंट यानी कि यूपी रख दो, यूपी नॉट मींस उत्तर प्रदेश, इट इज अनऑर्डर्ड पॉइंट, ठीक है। तो ये रहा 3 का पॉइंट, ये y वाला लाइन है और ये x वाला लाइन है, ठीक। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉइंट को, क्या है ये कार्टेशियन प्लेन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बहुत ज्यादा इस पे हो गया, इसको मिटाते हैं, अब कुछ और विशेष बताते हैं क्या, तो कोई दूसरा पॉइंट एक ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड समझ आ गया ना, तो अब कहेंगे हम कि कोई और पॉइंट रिप्रेजेंट करो, जैसे कि पॉइंट हम दे दें कि रिप्रेजेंट पॉइंट -2, 3 फिर -3, 4 क्यों 3 आ रहा है, 3 तुम बताओ, -1, 0 ठीक ना, ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करो, 0 भी आया इसमें, चलो तो सबसे पहले -2, 3 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x का वैल्यू है y का वैल्यू है, अब x y को y और x को ये माइनस का वैल्यू, मतलब ये ना मुझसे कि यहाँ पे y डैश लिखे तब आपको समझ में आएगा कि नहीं वो माइनस में रिप्रेजेंट करना है, वैल्यू देख के पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। तो माइनस की वैल्यू किधर है हमारी x पे, तो x पे डाउनवर्ड में है, ठीक है, तो कितनी वैल्यू है -2, चलो -2 ये हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा वाला उसका साथी कौन सा है, तो y का वैल्यू 3 है, y ये रहा 3 यहाँ पे आएगा, तो -2, 3 है, यहाँ पे पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम a रख दो, इसका b रख दो, इसका c रख दो, यानी ये वाला पॉइंट ये हो गया जिसकी वैल्यू क्या है -2, 3, ये रिप्रेजेंट यहाँ पे हो गया। अब कहता है -3, 4 को रिप्रेजेंट करो, तो ये पहली वैल्यू x की है, तो x की वैल्यू कहाँ गई, ये रही -3, और y की वैल्यू 4 है, तो -3 यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यानी कि यहाँ पे लगभग बनेगी, ये वाली यहाँ पे बनी थी, ये वाली यहाँ पे बनी थी, इसकी वैल्यू क्या है b है, जिसकी वैल्यू -3, 4 है, इस b पॉइंट की वैल्यू -3, 4 है। अब हमको रिप्रेजेंट करना है c वाला, इसमें 0 आया है, तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है, चलो रिप्रेजेंट करते हैं। तो -1 हमारा x की वैल्यू यहाँ पे है और y की वैल्यू कहाँ है 0, यानी कि यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा c, जिसका जिसका वैल्यू क्या होगा -1,
जीरो, समझ में आया ना, माइनस वन कमा जीरो, यानी कि उसी लाइन पे, यानी कि जब पूछे हम कि x के लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी, ये x की लाइन पे y की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो होगी, ठीक है। और y के लाइन पे, y के लाइन पे वो लाइन निकल गया, y के लाइन पे x की वैल्यू क्या होगी, तो जीरो होगी। यानी कि किसी की एक किसी के लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना हो और दूसरा वाला वैल्यू जीरो कब होता है, जब उसके हम अपोजिट वाले भाईचारे को देखते हैं, यानी अपोजिट वाले मेंबर को देखते हैं, तब उसकी वैल्यू वो जीरो होगी। अब क्वाड्रेंट नंबर 4 गुस्सा आ गया, वो बोल रहा है केवल हमें को यूज करोगे और किसी को नहीं यूज करोगे, करेंगे भाई सबको करेंगे, चलो यूज करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, अब इस माइनस को हटा के इधर माइनस कर देते हैं, इस वाले माइनस को हटा के इधर माइनस कर देते हैं, और इधर वाले को ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस का हटा, क्योंकि जीरो तो ना माइनस में होता है ना ही प्लस में होता है। अब रिप्रेजेंट करिए, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स का 2, एक्स का 2 और वाई का -3, वाई का -3 यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट का नाम हो गया ए, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो 2, -3 है। अब दूसरी वाली बी 3, -4, तो 3 यहाँ पे है और -4 इसके स्ट्रेट में यहाँ पे चले जाइए और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया, इस पॉइंट का नाम है बी, जिसकी वैल्यू है 3, -4, ठीक। तो ऐसे ही हम, हाँ एक बार बच गया अभी 1, 0, 1, 0, तो ये x का है और ये y का है, तो अभी हमने बोला कि y की वैल्यू 0 कब होती है, तो x पे जब लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस का 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, ये जो पॉइंट है उसका वैल्यू c है, जिसकी वैल्यू 1, 0 है, ठीक। तो हमने देखा कि कैसे आसानी से थोड़ा सा दिमाग लगा के, और एक लाइन को, एक चीज का ध्यान रखना है कि लाइन जो आपका होना चाहिए ना वो स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट, तो एकदम स्ट्रेट तभी जाके वो मिलेगा। ये देखो ये वाला पॉइंट यहीं पर होगा, ये -2, ये वाला पॉइंट यहाँ पे, 3, फिर ये वाला पॉइंट देखो तो 3 पे यहाँ पे और ये 4, यानी कि लाइंस को स्ट्रेट होना चाहिए तभी वो जाके एक पॉइंट को, यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब हमको ये पता चल गया कि हर एक पॉइंट के पास हर एक कोऑर्डिनेट एक अलग ही अपना लोकेशन स्थित करते हैं, तो आखिर में ये ओरिजिन का भी तो लोकेशन है ना, कुछ ओरिजिन का भी लोकेशन तो है, तो ओरिजिन का लोकेशन कैसे फाइंड करना है, व्हाट इज क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, जो आप सोच रहे हैं वही है, हमको क्या फाइंड करना है, x का वाई ना, तो x की वैल्यू क्या है ओरिजिन पे, तो 0 है, और y की भी क्या है 0 है, यानी कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, 0, और यही था आपके चैप्टर का कंप्लीट नॉलेज। कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना फीडबैक प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखिए। फिलहाल के लिए चैप्टर हो गया खत्म और हम मिलेंगे आपको आपके साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।